हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी बाइक में एंटी थीफ्ट सिक्योरिटी अलार्म को इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे में आपको बताऊंगा अगर आप मार्केट में जाकर किसी मैकेनिक से यही लगवाते हो। तो गाइस, मैकेनिक जो मैंने देखा वो 300-400 रुपये इसके लगाने के ले लेते हैं, और अभी मैं आपको जो है इजी वे में बताऊंगा कैसे आप अपनी बाइक में इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है मोटरसाइकिल एंटी थीफ्ट अलार्म सिस्टम, तो इसको मैं करूंगा अपनी बाइक में इंस्टॉल। तो ये एक्चुअली कस्टमर का है, तो मैं एक बार अपनी बाइक में इसको लगा के दिखाऊंगा। तो ये आपको मिलता है इसके बॉक्स में कंटेंट। सबसे पहले इसमें जो है आपको ये सायरन मिलता है जो कि आवाज़ करता है जब आपकी बाइक को जो है कोई टच करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके पीछे जो है डबल टेप रहती है, और एक साथ इसमें कपलर रहता है जिसमें कि दो वायर्स हैं। तो इसके साथ आपको जो है ये मेन कंट्रोलर मिलता है जिसके साथ ये वायरिंग है। तो वायरिंग इस प्रकार से इसके सॉकेट में चली जाएगी, और वायरिंग का बाकी आपको मैं बताऊँगा कैसे करनी है। और इसके साथ ये छोटा वाला कपलर है, इसमें सायरन लगेगा। और इसके साथ आपको जो है दो रिमोट मिलते हैं इस प्रकार से, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि दो रिमोट इसके साथ मिल रहे हैं, ताकि एक रिमोट अगर आपका गुम भी जाए तब आप दूसरा जो यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, इसके साथ जो की ये मिलती है आपको, जो चाबियां बनाते हैं उनसे आप जो है अपनी बाइक के साइज़ के हिसाब से जो है इसकी की भी बनवा सकते हैं, ताकि आपको दो दो जो कीज़ है वो कैरी ना करनी पड़े। और इसके साथ ही आपको ये डबल टेप मिलती है यहाँ पर लगाने के लिए, ताकि ये इसको मेन कंट्रोल को आप जो है बाइक में फिक्स कर सकें। और इसके साथ ही आपको ये कोई यूज़र गाइड है, इसमें आपका कनेक्शन वगैरह का बताया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका। तो अभी मैं आपको वायरिंग का बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं येलो वायर के ऊपर। तो क्या ये दोनों जो येलो वायर है ये जाएगी आपके इंडिकेटर्स के पॉजिटिव में। तो काफ़ी इजी है, मतलब इंडिकेटर का पॉजिटिव आप ढूंढो, जो कॉमन वायर है उसको छोड़ के जो दूसरी वायर है पॉजिटिव को उसमें एक एक लगा दो। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि मतलब लेफ्ट राइट का इसका कोई पंगा नहीं है, आप किसी भी साइड जिसको लगा सकते हैं। उसके बाद गैस, ये ब्लैक और जो रेड वायर है ये जाएगी आपकी बैटरी साइड में, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। इसके बाद गाइस, ये ब्लू और जो ऑरेंज वायर है इसका मैं आपको बताता हूँ आपको। तो जो ऑरेंज है आपके इग्निशन को चलाती है, तो ये आप जो है इग्निशन जो आपका ऑन ऑफ करने वाला जो लॉक होता है उसमें जो एक वायर होती है जो कि ब्लैक कलर की स्प्लेंडर प्लस में होती है उसमें चली जाएगी, या फिर आप इसको जो है फ्लैशर में भी लगा सकते हैं, इंडिकेटर फ्लैशर में, जो कि मैं अभी लगाऊंगा। और जो ब्लू कलर की वायर है ये जाएगी आपके सेल्फ के जो पॉजिटिव में, तो सेल्फ का जो पॉजिटिव सप्लाई है उसमें जाएगी ये। तो क्या इसमें अभी ग्रे और जो पिंक वायर है इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। जो पुरानी बाइक्स आती थी जिनमें कि जो इग्निशन कट ऑफ का फंक्शन रहता था, जिसमें कि हैंडल लॉक में जो है चार वायर्स रहती थी, तो उनमें इनका जो है यूज़ होता था। तो ये मोस्टली जो अभी बाइक आ रही है उसमें इनका यूज़ नहीं होता, तो इनका हम जो है इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या सबसे पहले मैं इसका साइड पैनल खोल के इसकी सीट को उठा लेता हूँ जल्दी से। तो क्या सबसे पहले मैं दोनों येलो वायर्स का कनेक्शन करूंगा। तो दोनों येलो वायर्स आपको जो है इंडिकेटर के पॉजिटिव साइड में लगानी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इंडिकेटर के जो दोनों पॉजिटिव वायर है, जो कि ग्रीन वायर है उसको आपको नहीं छेड़ना, वो नेगेटिव की है। उसके अलावा ये जो दूसरी एक ऑरेंज वायर है और एक दो थोड़ी सी ऐसे ब्लू सी वायर है, तो इसको जो है आपको लगा देना है ये दोनों येलो वायर्स को वन बाय वन। तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी साइड लगा सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट का इसमें कोई पंगा नहीं है। तो जल्दी से मैं पहले इन दोनों को लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों येलो वायर्स को मैं जो इंडिकेटर के पॉजिटिव में लगा दिया अभी। तो वैसे अभी इसकी ब्लैक वायर और रेड वायर का कनेक्शन करना है, तो ब्लैक को आपको जो है बैटरी के नेगेटिव साइड में लगाना है, और जो इसकी रेड वायर है उसको बैटरी के पॉजिटिव में लगाना है। आप चाहे तो इसमें एक स्विच लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जो एंटी थीफ्ट अलार्म है वो बैटरी की पावर कंज्यूम करता है, तो आप चाहे तो इसमें जो है एक स्विच भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं इन दोनों को लगा लेता हूँ। तो गाइस, रेड और ब्लैक वायर का मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है अभी। तो गाइस, अभी लास्ट जो है इसकी ऑरेंज और इसकी ब्लू वायर का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो ब्लू वायर का कनेक्शन करता हूँ, तो ब्लू वायर जाएगी इसकी जो रिले होती है सेल्फ की उसमें जाएगी। तो रिले का जहाँ पर पॉजिटिव की सप्लाई आती है रिले को, वहाँ पर जाएगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, सेल्फ मोटर के पास ही आपकी ये रिले होती है सेल्फ वाली, तो इस प्रकार से अभी ढकी हुई है। तो इसको पहले मैं खोल लूँगा, तो ये इसका जो ब्लू वायर का कनेक्शन है यहाँ पर मैं करूँगा। तो पहले इसको मैं खोल लेता हूँ।
तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो वायर जो है छोटी छोटी दिखाई दे रही होंगी, एक तो यहाँ पर नेगेटिव की जो कि ये ग्रीन कलर की है कुछ, और साथ में यहाँ पर एक येलो कलर की वायर है जो कि पॉजिटिव की है, तो मुझे ये येलो कलर की वायर में लगाना है। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं एक बल्ब में से, बल्ब यहाँ पर लगा के देखिए वन बाय वन दोनों वायर्स में, जिसमें कि सेल्फ का जो स्विच प्रेस करने पर लाइट आती है तो वो पॉजिटिव का, ऐसे आप देख सकते हो। तो मेरे को पता है इसकी जो येलो वायर है ये पॉजिटिव की है, इसमें येलो वायर को जो है येलो वायर में इसको लगा के ब्लू वायर को वापस मैं इसको जो कपलर को जो है बंद कर देता हूँ। तो इसकी रिले को मैं पहले पोजीशन पे जो है सेट कर देता हूँ जैसे इसको मैंने खोला था। तो क्योंकि लास्ट इसकी जो ऑरेंज वायर का भी कनेक्शन करने का रह गया है, तो वो होगा इसके इग्निशन से या फिर इसके जो जो इंडिकेटर का फ्लैशर होता है तो उसमें इसका जो है कनेक्शन होता है। तो इंडिकेटर का फ्लैशर का आपको पॉजिटिव ढूंढना है, तो पॉजिटिव ढूंढने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो गाइज एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप बिना चाबी के कैसे आप जो है फ्लैशर से और इसको जो है अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, तो मेरा मोटिव जो है आपको सिखाने का था कुछ, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो अभी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ इसमें पॉजिटिव कैसे ढूंढना। आपको आपको क्या करना है, एक वायर लेनी है, कोई भी आप छोटा सा वायर का टुकड़ा ले सकते हो, उसको जो है बैटरी के पॉजिटिव साइड लगाना है। तो जल्दी से पहले मैं उसको लगाता हूँ। तो गाइज मैंने इसको अभी लगा दिया है, तो अभी जो है इसको जो है वन बाय वन फ्लैशर के दोनों साइड इसको लगा के देखना है। यहाँ पर आपका जो इग्निशन है जो चालू हो जाता है वहाँ पर जो है पॉजिटिव की सप्लाई होगी, तो वहाँ पर जो इसकी जो ऑरेंज वायर लगेगी। तो सबसे पहले मैं एक साइड लगा के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया इसको, आप देख सकते हैं इसका इग्निशन अभी बंद है। तो मैं दूसरी साइड इसको लगाता हूँ, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इग्निशन ऑन हो चुका है, तो इसमें ही जो हमारा जो है ऑरेंज वाली जो है वायर लगेगी। तो जल्दी से इसको मैं लगाता हूँ, तो सेम वैसे ही आपको इसको जो है इस प्रकार से थोड़ा सा शील के आगे से ऐसे लगाना है, और उसके बाद जो इसका जो फ्लैशर लिया उसको ऐसे बंद कर देना है। तो गाइस अभी हमारा जो है कनेक्शन वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस अभी इसकी जो वायरिंग है जो फालतू की वायरिंग है उसको आप जो है थोड़ा सा इकट्ठा करके टेप वगैरह कर दीजिएगा, और कंट्रोल को जहाँ आपको लगता है कि अच्छा है वहाँ आप जो है इसको जो है फिक्स कर दीजिएगा। तो डबल टेप इसके साथ आती है, तो आप जहाँ चाहे इसको जो है फिक्स कर सकते हैं, और सायरन को भी अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर जो है फिक्स कर दीजिएगा। तो जल्दी से मैं पहले इसको कर लेता हूँ, तो गाइस वायरिंग वगैरह को मैंने इकट्ठा कर लिया, अभी इसकी सीट को बंद कर देता हूँ मैं वापस से। तो भाई चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं इसको लॉक करता हूँ, तो गाइस इस प्रकार से ये बजेगा, और अगर मैं इसको अभी टच करूँगा तो ये इस प्रकार से ये बजने लगेगा। तो अभी जल्दी से इसको मैं अनलॉक करता हूँ, तो अभी ये इसको हम टच कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो बेल का आइकन है ये इससे जो है सायरन बजने लगता है, तो ये मैं बजा के नहीं दिखाऊंगा, ये तब होता है कि मतलब अगर आपकी बाइक के आसपास कोई हो तो उसको जो है दूर करने के लिए इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला बटन है ये जो सेल्फ का है, अगर आप इसको दो बार प्रेस करते हो तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, जैसे आप इसको अनलॉक या लॉक करते हो तो इसके जो इंडिकेटर है वो भी ऐसे जो है फ्लैश होते हैं। तो अभी इसका सेल्फ का ऑप्शन देखते हैं काम कर रहा है या नहीं, तो इसको मैं दो बार प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये अभी ये स्टार्ट जो है हो चुका है। तो इस प्रकार से इसको स्टार्ट कर सकते हैं आप, और जब आप इसको जो अनलॉक को प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये जो है काम करेगा। तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो क्या इसका सायरन मैंने निकाल दिया एक्चुअली, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप देख सकते हैं अभी ये पूरी तरह से ये काम कर रहा है। तो आप भी चाहे तो अपनी बाइक में इसको जो है लगा सकते हैं। तो किस बात करें इसके प्राइस की, तो 800 के आसपास इसका जो है आपको ये मिल जाता है, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।